कयामत की रात इंतकाम की वो घड़ी जहां नागिन रूप बदल कर लेगी उसके ऊपर हुए हर सितम का बदला। रूही विशाखा और बेला ये तीनों नागिन फिर दोहराएंगी मोहब्बत और इंतकाम की दास्तान। 2 जून से नागिन सीजन 3 फिर से दर्शकों को कलर्स पर एंटरटेन करते हुए नजर आएगा और इन नागिनों के एंटरटेनमेंट का सिलसिला शुरू हुआ सास बहू और साजिश के साथ, जहां पर इन्होंने चाय पे चर्चा कर खोली एक दूसरे की ढेर सारी पोल। ये है तो चाय पे चर्चा पर ऐसे लग रहा है शॉर्ट्स पे चर्चा पर। सबसे बड़ी गॉसिप है कि नागिन 3 2 जून से आ रहा है। मेरा जो किरदार है वो है रूही और ये बहुत ही पावरफुल नागिन है। मेरा जो पति है वो है रजत टोकस जो विक्रांत का कैरेक्टर निभा रहा है। हम हज़ारों साल के बाद मिलते हैं और प्यार यू नो एक साथ हम लोग वापस मिलते हैं एंड ऑल, और कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है जिसकी वजह से मैं जो नागिन हूँ वो बदला लेती हूँ। तो इट इज़ अ वेरी बदला रिवेंज काइंड ऑफ रोल एंड बहुत ही पावरफुल है। आई एम प्लेइंग बेलाज कैरेक्टर इन द शो और शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल। हर फादर इज़ इन अ लॉट ऑफ डेट and she really wants to help her father to get that removed, and how does she help him and what all does she do, how much does she sacrifice, that's all about her character. Mera kirdar Vishakha Khanna ka hai, bahut hi glamorous, bahut hi strong, bahut hi powerful shape shifting nagin hai. Maine itna bold character pehle nahi kiya, it's my first time and I'm very very nervous and very very excited. मेरा जो कैरेक्टर है वो सुमित्रा का कैरेक्टर है, उसकी शादी हुई है एंडी सहगल से जो चेतन हंसराज का कैरेक्टर है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी कन्वेंशनल इन सर्टन थिंग्स, वेरी ट्रेडिशनल, मेक श्योर शी कीप्स द हाउस टुगेदर, पूरे घर को जोड़ के रखती है और कहीं ना कहीं शायद सुमित्रा और बेला में सिमिलैरिटीज हैं। कौन है सुरभि के ज्ञान की देवी? ओके, दिस इज ज्ञान की देवी और ज्ञान का देवता। इट्स ईदर रक्षंदा और अनीता बिकॉज यू नो दे हैव डन अ लॉट ऑफ शोज सो दे नो अ लॉट एंड दे हैव वर्क विद बालाजी ऑल्सो बिफोर एंड फॉर यस आई मीन वट एवर सो दे या दे आर फॉर मी ज्ञान की देवियाँ। आई कैन आस्क एनी थिंग फ्रॉम देम दे जीती रहा हमारा ज्ञान सदैव तुम्हारे साथ। इरिटेटिंग। अरे कितने नाम लोगी ये बताओ मेरे। इसी शो से बोलना है ना। ऑनेस्टली मुझे कोई इरिटेटिंग तो नहीं लगता ऑन शेड्यूलर्स हैं हमारे काफ़ी इरिटेटिंग है। आज का शूट फिनिश होने से पहले कल का शेड्यूल भेजते हैं। क्यूट है। इरिटेटिंग नहीं है। जहरीला। What does that mean? अब नागिन है और जो कैरेक्टर है विश का वो जहरीली है बहुत ही, तो मैं जहरीले का जो टाइटल है वो विश को दूंगी। फिटनेस फ्रीक इज फाइनली एक अच्छा चिट खुला है जो रियल है, सो दिस इज डेफिनेटली करिश्मा। शी लव्स टू जिम, लव्स टू वर्कआउट एंड हमारे सेट पे एक और है हेली यूवी। देखा नहीं है लेकिन आई वॉन्ट टू नॉमिनेट चेतन हंसराज फॉर दिस। अगर आप एक कटरे उनके साथ ले सकते हैं उनको प्लीज बोलिए कि वी हैव ऑल विमेन हैव नॉमिनेटेड चेतन हंसराज एज़ द बेस्ट नागिन डांसर। आप लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया। जी जी जी, आपको नॉमिनेट ही किया है ये लो। बेस्ट नागिन डांसर। ओह चलो चलो चला हो जाए। ये जो स्लीपी हेड है जो मैंने इनके साथ अभी तक काम नहीं किया है पर मैंने दूर से देखा है वो है, इन्होंने सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हैं जिसकी हामी हम भर सकते हैं जी।
लेट लतीफ हमारे हमारे उसमें तो सिर्फ एक ही लेट लतीफ है, कौन है? रक्षंदा। क्या झूठा इंसान है, क्या झूठा इंसान है। मैं आज तक कभी लेट नहीं आई, मैं 5 मिनट पहले पहुंचती हूँ। सब कमबख्त मारे झूठे हैं। मेरी चिट में जो है वो आप सबको ही सूट करता है, माँ को नहीं करता। माँ नहीं नहीं खूबसूरत तो आप बहुत हो, पर दिखाते हैं ना, ये तीनों हैं इस लिस्ट में। इट्स जहरीला, थोड़ा सा चेंज करेंगे जेंडर, जहरीली। सब जहरीली हैं, बहुत जहरीली हैं, बाय गॉड। नागिन 3 बहुत जल्द ऑन एयर आ रहा है, दैट्स ऑन 2 जून ऑन कलर्स, और ये सीजन 3 है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट एक्टर्स है, बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है। जितने भी कैरेक्टर्स है ये शो में उन सबको प्यार दो। एब्सोल्युटली, हम सब ने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ शो अस अ लॉट ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड जस्ट कीप शोइंग योर लव। Yeah, this is ABP. Hello ABP, this is A for Ankit, B for Bade Bhai, and P, this is Pearl. Hello everybody. हाँ जी, हम किरदार के बारे में शुरू करते हैं माहिर के कैरेक्टर से। माहिर सहगल नाम है मेरा, मेरा छोटा भाई है जो मेरी जान है, जो बहुत सारे रायते फैलाता है लाइफ में। हर जगह जहाँ जाता है वहाँ गड़बड़ करके आता है, और वो सारी गड़बड़े मैं सुलझाता हूँ, वो सारे रायते मैं समेटता हूँ। उसके बाद मेरे डैड हैं, मेरे डैड यार इनकी तरफ देख के मैं खुश हो जाता हूँ। ही इज लाइक स्टाइल है माँ की आँख, मतलब कैसे कर लेते हैं आप ना। इनकी एज बढ़ती है, इनकी हाइट बढ़ती रहती है। अच्छा। नहीं नहीं ये ऐसे ही लगेंगे, आप ज्यादा यंग लग रहे हैं। नहीं नहीं एक्चुअल नागमणि इनके पास है। अच्छा। इनकी एज नहीं बढ़ती। मेरा कैरेक्टर का नाम है एंडी साइगल, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज अ बिजनेस टाइकून, ही हैज 2 वाइव्स, 5 बच्चे हैं, पहली बीवी से 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, हाँ, एक माहिर है जो सीधा साधा ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग बॉय है, ही इज़ द हैंडलर ऑफ द फैमिली। मेरा कोई भी प्रॉब्लम होता है माहिर हैंडल इट, एंड यूवी जो पूरी फसाद की जड़ तो यूवी ही है। और यूवी कैरेक्टर की बात की जाए तो वो एक बहुत ही केयर फ्री है यार, मतलब इतना रिच डैड है, इतना पैसा है, इतना पावर है, इतनी फ्रीडम है, स्पॉइल्ड ब्रैट है, फ्लैम्बोयंट है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कुछ सोचता नहीं है करने से पहले। सो बस इट्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम, सो आई एम लविंग इट। इससे ज़्यादा मस्ती मैंने आज तक किसी सेट पे नहीं किया। ये मुझे राम बोलते हैं। और ये और इतना मज़ा आता है सेट पे, बिकॉज किसी को कोई ईगो नहीं है, ऑल वांट टू मेक इट, मेक द शो अ सुपर हिट, एंड ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। नॉर्मली इफ यू हैव अ न्यू बंच ऑफ यंगस्टर्स हु आर ऑल वाइंग फॉर द सेम प्लेस टू बी यू नो द हीरोज, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दे ऑल नो दैट इफ ही डज बैडली देन ही फेल्स, इफ ही फेल्स आई फेल, ही फेल्स, एवरीवन इज वर्किंग फॉर वन ऑब्जेक्ट, इज टू मेक दिस शो अ सुपर हिट। अब नागिन सीजन 1 और सीजन 2 ने तो खूब धमाल मचाई और दर्शकों का खूब प्यार बटोरा। नागिन सीजन 3 पूरी नई स्टार कास्ट के साथ ये कर पाता है या नहीं, ये तो शो के ऑन एयर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें एकता कपूर और रजत टोकस की कमी जरूर खली है, और हमें एकता की यहाँ ना आने की एक वजह भी पता चल गई है कि वो अपनी पुरानी और चहेती नागिन के साथ एक वेब सीरीज के नए शो को लेकर डिस्कस कर रही थी, इसीलिए वो यहाँ मीडिया इंटरेक्शन के लिए नहीं पहुँच पाई। मुंबई से राज दीक्षित के साथ निशी मिश्रा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।